बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी से मुतालिक दो सवाल किए थे, गालिबन क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा भी दो तीन सवाल किए थे। अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The slope of a line is -3/4. The slope of a line is -3/4. Find the equation of perpendicular line. Find the equation of perpendicular line passing through -6, 2. तो क्या किया जाए? वो तमाम हजरात खवातीन जिन्होंने अपने वीडियो ऑन नहीं की हुई, उनको वीडियो ऑन कर लेनी चाहिए। 5 मिनट के बाद मैं फिर देखूंगा, वीडियो ऑन नहीं है तो फिर क्लास से बाहर जाना पड़ेगा, फिर आप परेशान हो। आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज -3/4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू -6, 2। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, फर्ज करें ये स्ट्रेट लाइन है L1। इसका स्लोप आपको दे रखा है, इट इज -3/4। स्लोप ऑफ ए लाइन इज -3/4। अब इसकी इक्वेशन नहीं फाइंड करनी, कहा यह गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। L1 के परपेंडिकुलर एक लाइन है, आप उसकी इक्वेशन फाइंड करें। फर्ज करें ये है L2, इसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, एंड इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट्स -6, 2। ये है क्वेश्चन। तो जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उसका स्लोप गिवन नहीं है, तो आपको पहले तो इसका स्लोप फाइंड कर देना चाहिए, बिकॉज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। देयरफॉर M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 इज इक्वल टू -1। M1 is equal to -3/4 into M2 is equal to -1. So M2 is equal to 4/3. इसका मतलब जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप आपको मालूम हो गया। अब इसकी इक्वेशन मालूम की जा सकती है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L2 जो परपेंडिकुलर लाइन थी, जो पास हो रही थी एक पॉइंट में से जिसके कोऑर्डिनेट गिवन थे, उसकी इक्वेशन के लिए स्लोप मालूम नहीं था, स्लोप मालूम किया। अब इक्वेशन इज इक्वल टू m(x-x1). चूंकि L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है तो L2 का स्लोप m2,
y minus y1 is equal to 2, m2 is equal to 4 upon 3, x minus x1 is equal to minus 6, to minus into minus plus. 3 को शिफ्ट करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6. इट इज इक्वल टू 3y प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 6. 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 24. शिफ्ट कर दें तो 0 इज इक्वल टू 4x minus 3y plus 6 plus 24 is equal to 0. Yani 4x minus 3y plus 30 is equal to 0. Ye ho gayi equation of perpendicular line which is passing through the point minus 6, 2. Now see question number 9. अक्सर ये सवाल एग्जाम में देखा गया है. Question number 9. Find the equation of the perpendicular bisector. Find the equation of perpendicular bisector of the segment joining two points 5, 4 and -4, -2. आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करें. तो सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं. फर्ज करें P1 ये है 5, 4 और P2 ये है -4, -2. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? P1 P2 का. अब अगर फर्ज करें ये है P1 ये है P2, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P1 एंड P2 इज दिस. अब उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो P1 P2 के परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो. बाइसेक्टर का मतलब इट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट. इसका मतलब आपको मिड पॉइंट ऑफ P1 P2 की जरूरत होगी. अब वो लाइन जो P में से पास हो रही है यानी मिड पॉइंट में से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है P1 P2 के, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दो इंफॉर्मेशन, एक तो ये परपेंडिकुलर है और दूसरा ये बाइसेक्टर है यानी इट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट. अब इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए जिसे अगर मैं कह दूं परपेंडिकुलर को L, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L. उसके लिए हमें एक तो P की जरूरत होगी और इसके स्लोप की जरूरत होगी. आप पहले स्लोप फाइंड करें P1 P2 का, बल्कि पहले आप मिड पॉइंट फाइंड कर लें. तो लेट P इज द मिड पॉइंट. P इज द मिड पॉइंट ऑफ P1, P2. P is the midpoint of P1, P2. Px, y is equal to Px1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. P1 is first point x1, y1. P2 is second point x2, y2.
5 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमा 2 अपॉन 2, तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमा 1। ये हो गया p मिड पॉइंट ऑफ p1 p2 जिसमें से परपेंडिकुलर पास हो रहा है। अब हमें स्लोप फाइंड करना है इस परपेंडिकुलर लाइन का, तो उसके लिए हमें स्लोप की जरूरत होगी p1 p2 के। तो p1 p2 का स्लोप चूंकि दो पॉइंट्स मालूम है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप ऑफ p1 p2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 माइनस 5, इट इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 9। माइनस कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करें, इट बिकम्स 2 अपॉन 3। स्लोप ऑफ p1 p2 इज 2 अपॉन 3। अब चूंकि p1 p2 और लाइन l परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ p1 p2 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इट इज इक्वल टू माइनस 1, तो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन, इट इज इक्वल टू माइनस 1। सो स्लोप ऑफ 9 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। आपको स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मालूम हो गया। अब असल में तो इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट मालूम है, ये लाइन P में से पास हो रही है, इसका स्लोप मालूम है माइनस 3 अपॉन 2, तो यू कैन फाइंड इट्स इक्वेशन बाय यूजिंग y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विच इज L। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इनटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, x माइनस x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। Now it is equal to y minus 1 is equal to minus 3 upon 2 multiplied by 2x minus 1 divided by 2 by taking LCM. 2 into 2, 4, इसे shift कर दें left side पे, 4 into y minus 1 is equal to minus 3 into 2x minus 1. It is 4y minus 4 is equal to minus 6x plus 3. तमाम टर्म्स को आप शिफ्ट कर दें, तो 6x प्लस 4y माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 6x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई जो p1 p2 को बाइसेक्ट भी कर रही थी और p1 p2 के परपेंडिकुलर भी थी। अभी सवाल में ऐसा क्या है, आपको पास पेपर्स में काफी दफा ये सवाल नजर आ जाएगा। अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर 13, सी क्वेश्चन नंबर 13, अ लाइन विद y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 5, a line with y intercept equals to
5 units. is perpendicular to the line which is passing through -3 and 2/3, 5/3. Find its equation. A line with y-intercept equals to 5. जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फर्ज करें वो लाइन है L1, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसका y इंटरसेप्ट यानी c गिवन है, इट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब कहा यह गया है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन लाइक L2. And this line is passing through two given points, P1 and P2. We have a question. जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये पास हो रही है, ये y इंटरसेप्ट बना रही है 5 यूनिट्स, और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन के, जो के दो पॉइंट्स में से पास हो रही है, P1 और P2। तो हमें क्या करना चाहिए? L1 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए y is equal to mx plus c. c गिवन है, इसलिए यही इक्वेशन दिमाग में आएगी। अब L1 का स्लोप मालूम होना चाहिए, विच इज m1। ये आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ L2 विच इज M2, और M2 फाइंड करने के लिए चूंकि दो पॉइंट्स गिवन हैं, तो यू कैन यूज y2 - y1 / x2 - x1। तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज बेसिकली स्लोप ऑफ P1 P2 विच इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। तो P1 is first point x1 y1, P2 is second point x2 y2, it is 5/3 - (-3), 5/3 -(-3), as 3 ho gaya, divided by 2/3 -4. Now it is equal to 5 + 9 divided by 3 whole divided by 2 - 8/2 - 12 upon 3. So 3 to ho gaya cancel, baki bach gaya 14/-10, which means -7/5. -7/5 is slope of second line L2. Up, because L1 is perpendicular to L2, therefore M1 multiplied by M2 is equal to -1. M1 is slope of L1, which is required. M2 is -7/5. Now M1 is equal to 5/7. ये हो गया slope of L1, which is M1. अब आप equation find कर सकते हैं. तो equation of L1, चूंकि आपको y-intercept given था, इसीलिए आपके दिमाग में y is equal to mx plus c.
इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चूंकि फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1, y इज इक्वल टू एम वन इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, x एज इट इज c इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा अब y is equal to 7 is the LCM, it becomes 5x plus 35, 7 LCM लिया और इसे शिफ्ट कर दें तो 7y is equal to 5x plus 35, इसका मतलब 5x minus 7y plus 35 is equal to 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू, नहीं हुज y इंटरसेप्ट इज 5 एंड विच इज पासिंग थ्रू p1 एंड p2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे दो तीन सवाल आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, फिर भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, ए इज द मिड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बाउंडेड बाय -2, 3 and 6, -1. B is a point at 3/4, yani 3/4 of the distance from 4, 3 and 0, -3. Find the equation of AB, ये क्वेश्चन। पहले तो आप पॉइंट्स को नाम दे दें, लेट P1 इज -2, 3 एंड P2 इज 6, -1। अब आपसे कहा गया था कि A इज द मिड पॉइंट ऑफ P1, P2। मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए फाइंड किया जा सकता है। लेट P3 is equal to 4, 3 and 0, P4 is equal to 0, -3। आपसे कहा गया था कि B इज द पॉइंट विच इज एट 3/4 द वे फ्रॉम P3 to P4। बी रेशो फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। उसके बाद जब ए और बी मालूम हो जाएगा तो ए बी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स आपके दिमाग पर। अब यही चीज आप शक्ल में देखें, P1 it is -2, 3, P2
इट इज 6 कॉमा माइनस 1। आपसे कहा गया है कि ए इज द मिड पॉइंट। आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले ए फाइंड कर लें। यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला बिटवीन पी वन एंड पी टू। ए एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। नाउ ए इज इक्वल टू माइनस टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू, थ्री प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ए इज इक्वल टू फोर अपॉन टू कॉमा टू अपॉन टू। ए इज इक्वल टू टू कॉमा वन। ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ पी वन पी टू। अब आप फाइंड करें, अब बी के बारे में क्या कहा गया है। बी के बारे में कहा गया है कि इट इज थ्री फोर्थ द वे फ्रॉम पी थ्री टू पी फोर। ये फर्ज करें ये है पी थ्री और ये है पी फोर। पी थ्री इट इज इक्वल टू फोर कॉमा थ्री एंड पी फोर इट इज जीरो कॉमा माइनस थ्री। क्या कहा गया है कि बी जो है वो थ्री फोर्थ पे है। बी थ्री फोर्थ पे है तो थ्री आउट ऑफ फोर। थ्री फोर्थ का मतलब थ्री आउट ऑफ फोर। तो टोटल फोर सेगमेंट्स आपने बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब ये कहाँ पे है बी। बी है थर्ड सेगमेंट पे आउट ऑफ फोर सेगमेंट। अब आप ये बी फाइंड करेंगे और जब ए और बी मालूम हो जाएगा तो असल सवाल ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी मालूम बी भी मालूम तो ए बी को आपने ज्वाइन किया, जो लाइन सेगमेंट है इसकी आप इक्वेशन फाइंड करें। अब बी के लिए, बी के लिए एम वन इट इज इक्वल टू थ्री, एम टू इट इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री विच इज इक्वल टू वन। यूज रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू बी एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। वैल्यूज पुट करें, एम वन इज इक्वल टू थ्री, एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, एम टू इज इक्वल टू वन, एक्स वन इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इट इज थ्री प्लस वन। अगेन एम वन इज इक्वल टू थ्री, वाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, एम टू इज इक्वल टू वन एंड वाई टू इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन। नाउ इट इज इक्वल टू जीरो प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर माइनस नाइन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। तो बी इज इक्वल टू फोर अपॉन फोर कॉमा माइनस सिक्स अपॉन फोर। बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए भाई वन कॉमा माइनस थ्री अपॉन टू, वन कॉमा माइनस थ्री अपॉन टू। अब ए भी मालूम बी भी मालूम, आपने ए बी को ज्वाइन किया, जो सेगमेंट है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके दिमाग में इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स आने चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी इट इज वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन is equal to x minus x1 upon x2 minus x1.
y माइनस y1 इज इक्वल टू a फर्स्ट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट थे 2, 1, x1 y1, b सेकंड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, तो 1, माइनस 3 अपॉन 2। y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 is equal to x minus x1 is equal to 2 divided by x2 minus x1 yani 1 minus 2. Y minus 1 divided by minus 5 upon 2 is equal to x minus 2 divided by minus 1. Minus dono ka denominator hai, ye to cancel ho gaya. Y minus 1 multiplied by 2 upon 5 likh sakte hain. 5 अपॉन 2 है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो ये 5 अपॉन 2 नहीं रहेगा, 2 अपॉन 5 बन जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 2। 5 को शिफ्ट कर दें तो 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 2, ये बन जाएगा 2 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 5 x माइनस 10। शिफ्टिंग कर दे तो 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 2y माइनस 10 प्लस 2, इसका मतलब 5x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई जो a और b को ज्वाइन करने से आपको मिली है। पहले आपने ऐसा ही सवाल किया था जिसमें स्लोप फाइंड कराया गया था, उससे पहले आपने यही सवाल किया था उसमें डिस्टेंस फाइंड करना सिखाया गया था। अब कुछ कहानी सुन लें, छोटा सा सवाल अगर हो तो वो करा देता हूँ, लेकिन छोटा सा सवाल तो है ही नहीं। फर्ज करें कोई स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है, फर्ज करें कोई स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है। मैं आपसे कहूं कि पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस, पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस, वो कौन सा पोर्शन होगा? मेरा ख्याल में वो ये पोर्शन होगा, पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान इस लाइन का पोर्शन, तो वो ये पोर्शन है जिसे मैंने डबल शेड किया। तो मैथमेटिकली हम इस पोर्शन को सेपरेट कैसे करें? मैथमेटिकली इस पोर्शन को सेपरेट आसानी से किया जा सकता है कि ये पॉइंट मेरे सर पे है पी वन, है भाई मेरे सर पे तो नहीं है, हंस रहे हैं बेवकूफ, ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे वाई कंपोनेंट जीरो, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा जीरो। ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, अब अपना सर देख लें, ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे जो पॉइंट है x की वैल्यू जीरो, इसका मतलब जीरो कॉमा y, तो पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस, उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर लाइन सेगमेंट कंसीडर करूं, ये लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट लिख दूं x कॉमा जीरो और एक पॉइंट लिख दूं जीरो कॉमा y, आप समझ जाइएगा कि ये पॉइंट x एक्सिस पे है, ये पॉइंट y एक्सिस पे है, ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसका मतलब इसका y कंपोनेंट जीरो, ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका मतलब इसका x कंपोनेंट जीरो। तो पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस की जब भी बात होगी, हम लाइन सेगमेंट कंसीडर करेंगे जिसके एंड्स होंगे x कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा वाई। ये इम्पॉर्टेंट बात जो अगले क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। दूसरा,
एक छोटा सा सवाल आप सोचिए, फर्ज करें मैं एक स्ट्रेट लाइन लिखता हूं 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप सब लोगों से सवाल है, आप सब लोगों से सवाल है कि आप बताइए कि इस लाइन का स्लोप क्या है। जो बच्चा बताना चाहे स्लोप वो जरा हाथ तो खड़ा करे। एक भी नहीं। हाँ भाई मोहम्मद अली अयान तो खुश हो, 10 नंबर आ गए थे कल। चलो अनम्यूट करो और बताओ। साइड टू। अच्छा चले, कोशिश तो की मैंने। लास्ट टाइम आप लोगों को खास तौर पे कहा था कि ये जो घुटने बन के बैठे रहते हैं ना आप लोग, ये गलत है। बैठे बैठे सो जाते हैं, ये गलत है भाई। आप कम से कम इन्वॉल्व हो। अरे मैंने कोई मुश्किल काम तो नहीं कहा आपसे। देखें, 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन 3। अब इसकी शक्ल मेरे जैसी तो है नहीं, इसकी शक्ल है भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसी। तो m की जगह पे क्या लिखा हुआ? माइनस 2 अपॉन 3। c की जगह पे क्या लिखा हुआ? 4 अपॉन 3। यहां से पता चलता है कि अगर कोई बच्चा जानता है y इज इक्वल टू mx प्लस c मगर ये बताने से कासिर है, इसका मतलब उसे एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट कहा जा सकता है। नहीं, गौर किया करें। मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता दी, मैंने पूछ लिया स्लोप। आपके दिमाग में ना टेंजेंट थीटा आ सकता था क्योंकि थीटा तो पता ही नहीं है, ना वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये भी नहीं आ सकता था। तो आपके दिमाग में ऑल्टरनेट एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही आ सकती थी, विच इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू के लिए हमने इसे अरेंज किया, एम की जगह पे माइनस टू अपॉन थ्री आ गया। बहरहाल ये वैसे ही मैंने पूछ लिया था सिर्फ चेक करने के लिए कि जाग भी रहे या नहीं जाग रहे। तफसील से खबरनामे के बाद इंशाल्लाह ताला, यानी कल इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू वेरी मच।